एवरीवन, कैसे आप सब? तो यहाँ पे भाई और बहनों, यहाँ पे मम्मी बेडशीट बिछा रही है और सारा रूम वूम सेट कर रही है। तो ये देखो, कंबल वगैरह की तय कर दी। जब तक तो हम घर पे ही थे, बाद में गए थे। यहाँ पे देखो, पूरा रूम सेट हो बेडशीट गया मेरा। चेंज कर देती हूँ, ये बिछा देती हूँ। तो भाई और बहनों, यहाँ पे अब मम्मी का यहाँ पे ये वाला जो मतलब बाहर का बरामदा है वो ठीक करेगी। एक तो हमने चूल्हे में ये जलाई थी, आग जलाई थी कल, तो ना ही में घनी राख हो रही है। मतलब कदे की मतलब पहले की सारी जितनी जड्डे में आग जलाई, सारी की राख इकट्ठी हो रही थी। तब वो मम्मी काट लेगी इसमें और इकट्ठा कर देगी इसने फिर। सोफा के कवर और पिलो कवर धोए थे, तो अभी मैं ये कवर सोफा बिछा दूंगी, बाद में पिलो कवर हो जाते हैं, सूखे होंगे। इस रूम के मैं अलग निकाल देती हूँ, अंदर वाले रूम के भी धोए थे मैंने, ये अंदर वाले रूम के हैं, ये अंदर उनमें डाल दूंगी। तो भाई अब यहाँ पे मम्मी लगा कर रही है सोफे वगैरह पे, सारे कवर वगैरह लगा रही है जो धोए थे कल। सारे छोटे बड़े सब पे इन तक क्या मैं कवर डाल के और पूरा सेट वेट कर देगी मम्मी, फिर देखना। अंदर के पिलो कवर भी धोए थे भैया, तो बाहर के तो चेंज कर दिया मैंने, अब ये अभी धुले हुए इसमें मैं डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया भाई दो कवर, अब अच्छे लग रहे हैं। एक किलो दे दे भाई, हो गई होंगी। मटर भी 30 की पॉइंट, 30 रुपये पाओ। मटर कैसे? 60 है, 60 खाना दे हैं भाई। खाने को देने की नहीं देने का, अंगूर लेना नहीं लेना, हाँ लेने की नहीं ना, ना लेना ले लेंगे। मटर के इधर वो रहा अंगूर वाला। आज मैं बना रही हूँ भाई पालक पनीर, तो ये पालक मैंने ग्राइंड कर लिया है, इधर टमाटर भी काट लिया है, प्याज चॉप कर लिए हैं, और इसमें भी मैंने टमाटर मिर्च लहसुन वगैरह पीस लिया है। अब ये है पनीर, अब हम दिखाते हैं हम कैसे बनाते हैं। मैं प्याज भूनने लग रही हूँ और अब मैं इसमें टमाटर ये डाल देती हूँ मसाले, और साथ में ये जो ग्राइंड करे थे वो वाले टमाटर। अब मैं इसको पका लेती हूँ, पक गए हैं, अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये पालक जो मैंने ग्राइंड करा था। कभी थोड़ा खदक जाएगा ना, इसमें खदका पड़ जाएगा, तो मैं इसमें पनीर डाल दूंगी और फिर उसको पका लेंगे। सब्जी बनने के बाद दिखाते हैं कैसी बनती है। सब्जी बन के तैयार है, देखने में तो बड़ी टेस्टी लग रही है, खाएंगे जब पता चलेगा। नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।